हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। दो लेक्चर आप इसमें पढ़ चुके हो। पहले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में, और दूसरे में हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात की थी ना, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारी आज की नई हेडिंग की, जो है कैपेसिटर। इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंगों में से है। पर कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, पहले हमें वहां तक पहुंचना होगा। देखिए बच्चों, मैं आपसे कहूं कि आप किन किन तरीकों से चालक की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। कैपेसिटी याद है ना, कि कोई चार्ज कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे बोलते हैं इसकी कैपेसिटी। अब मैं चालक की कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहता हूं, तो कौन कौन से वे हैं आपके पास, कौन कौन से तरीके हैं, मेथड हैं आपके पास में, जिनसे आप चालक की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो विचार आता है पहला, वो है कि सर चालक की साइज इंक्रीज कर दो, साइज इंक्रीज कर दो। इंक्रीजिंग साइज ऑफ कंडक्टर, पहला तरीका तो है कि जो चालक है उसकी साइज को इंक्रीज कर दो। पर यह कोई सही तरीका नहीं है, नहीं होगी बिल्कुल। साइज बढ़ाने से, साइज इंक्रीज करने से कैपेसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि कल जो अपन ने पढ़ा था उसका फॉर्मूला आया था C इज इक्वल टू 4π ε0 × R, तो वहां से क्लियर था ना, C इज प्रोपोर्शनल टू R। आप जितना ज्यादा साइज मतलब उसकी रेडियस बढ़ाओगे, कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल तरीका है, पर अच्छा तरीका क्यों नहीं है। जैसे मान लो कि मुझे रिक्वायर्ड है 1 फैराड की, याद रखना कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराड, तो 1 फैराड तो अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं होगा। याद करो आप कल अर्थ की जो फैराड आई थी, अर्थ की जो कैपेसिटेंस आई थी वो कुछ 0.00071 फैराड इतनी आई थी, तो 1 फैराड तो इसका मतलब अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये तरीका तो है, पर एकदम बिल्कुल राइट मेथड नहीं है। तो धारिता इंक्रीज करने का एक मेथड तो है टू इंक्रीज साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरी एक कॉन्सेप्ट और है, ध्यान से देखना। हम सब जानते हैं कैपेसिटी का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q/V, C इज इक्वल टू Q/V इफ Q रिमेन कॉन्स्टेंट अगर Q तो हो जाए कांस्टेंट, मतलब चार्ज को मैं छेड़ूंगा नहीं, तो क्या C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V? वैसे तो C Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि दोनों चेंज होती हैं, पर मैं कह रहा हूं कि Q चेंज होगा ही नहीं, ले हाथ ही नहीं लगाना Q को, तो क्या C इनवर्सली प्रोपोर्शनल B के? बिल्कुल। और अगर आप अब B की वैल्यू कम कर दो, तो याद रखना बच्चों कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये सही तरीका है और यही हमारा प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैसे, इसी की चर्चा हमें आज के लेक्चर में करनी है। कहानी समझ में आई ना, कि कैपेसिटर क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे आती है। तो आप एक क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखो, देखो हाउ कैन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, क्वेश्चन मार्क लगा देना। हाउ कैन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, हाउ कैन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, ठीक है। आंसर लिखो, नंबर फर्स्ट तो लिखो, टू इंक्रीज साइज ऑफ कंडक्टर। पहला मेथड तो क्या होगा, टू इंक्रीज साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का साइज बढ़ाने से ना, टू इंक्रीज साइज ऑफ कंडक्टर, टू इंक्रीज साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सेकंड लिखो,
यहां देखो मैं बोलो इस लिखना है, देखो इफ चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट, इफ चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट, इफ चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड पोटेंशियल डिक्रीज, चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड पोटेंशियल डिक्रीज, देन कैपेसिटी इंक्रीज, देन कैपेसिटी इंक्रीज। बच्चों कैपेसिटी इंक्रीज करने के दो मेथड हमें समझ में आते हैं। पहला मेथड क्या है कि अगर हम उस कंडक्टर का साइज बढ़ा दें, ठीक तरीका नहीं है थोड़ा सा। दूसरा मेथड क्या है कि चार्ज तो कांस्टेंट रहे और आप पोटेंशियल डिक्रीज कर दो तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, देखना ध्यान से। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से देखना कैसे। देखो भाई, सबसे पहले हमने कोई प्लेट ली, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए प्लेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक प्लेट लेते हैं, कंडक्टिंग प्लेट है, जिस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब चार्ज पॉजिटिव है तो इसका वोल्टेज भी कोई ना कोई पोटेंशियल पॉजिटिव में रहा होगा। कुछ भी दिमाग में क्लिक कर लो, मैंने मान लिया 10 वोल्ट, अरे कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू सोच लो आप, जो भी है। एक प्लेट लिया मैंने और उस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है, इस प्लेट पर, इस प्लेट की बात कर रहा हूँ हमेशा। अब चूंकि चार्ज इस पर पॉजिटिव है तो कोई ना कोई पोटेंशियल भी रहा होगा, पॉजिटिव भी मैंने पोटेंशियल सोच लिया, कुछ भी 10 वोल्ट मैंने सोच लिया, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा डायग्राम अब यह अलग है, दूसरा बना रहा हूं। अब हमने क्या किया कि ये वो पॉजिटिव प्लेट है जो आपने लिए पहले, इस पॉजिटिव प्लेट के पास हम एक न्यूट्रल प्लेट लेके आए। पहले पॉजिटिव प्लेट ली, पहला डायग्राम खत्म हो गया। अब मैं सेकंड डायग्राम बनाने जा रहा हूं। अब आपने इस पॉजिटिव प्लेट के पास एक न्यूट्रल प्लेट लेके आए, न्यूट्रल चैप्टर नंबर 1 में याद है ना, न्यूट्रल बॉडी का मतलब है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में, इनमें इंडक्शन होगा। इंडक्शन, इंडक्शन क्या करेगा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा अट्रैक्ट और पॉजिटिव को करेगा रिपल्स। थोड़ी मोटी प्लेट करके दिखा दूं आप चाहो तो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझने के लिए। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है न्यूट्रल का मतलब, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को तो अपनी साइड में खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और पॉजिटिव को रिपल्स करेगा, दूर मतलब उस साइड भेज देगा। इंडक्शन हुआ ये, इसको पोलराइजेशन भी कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं इसको, पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। आप बातों को समझें, ध्यान से प्रिंसिपल तक पहुंचे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लेट ली, उसको चार्ज दिया पॉजिटिव पहले डायग्राम में। सेकंड में मैंने क्या किया बच्चों, एक न्यूट्रल प्लेट रखी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रिपल्स किया। तीसरा डायग्राम देखिए आप, यह प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर यह दूसरी प्लेट है, इनसाइड कैसी है इसकी, नेगेटिव। ये नेगेटिव तो इस पॉजिटिव ने बिल्कुल अट्रैक्ट कर रखा है, पकड़ रखा है, और पॉजिटिव को रिपल्स कर रहा है, मतलब भगाना चाहता है। हमने इसको कर दिया बच्चों ग्राउंडेड, याद है ग्राउंडेड वाली कहानी, तो प्लस को ये भगाना चाह रहा था प्लस, तो जैसे आपने ग्राउंडेड किया तो प्लस एक तरीके से गायब हो गया। अब इस प्लेट का वोल्टेज कैसा हो गया, नेगेटिव, मतलब ये प्लेट कैसी हो गया, नेगेटिव। अब इस प्लेट का वोल्टेज देखना इस सिस्टम में, पहले तो इस डायग्राम में देखा मैंने 10 वोल्ट आया, अब इस सिस्टम में इस प्लेट की बात कर रहा हूं, इस प्लेट की 10 तो खुद का तो है ही है, पर अब इस पर इस नेगेटिव का भी तो इफेक्ट आएगा। नेगेटिव थोड़ा दूर है तो वैल्यू नेगेटिव की कुछ कम मान लीजिए, -3 वोल्ट मान लीजिए चलो। अब इस प्लेट का वोल्टेज देखो, +10 खुद का तो यही है और इसका -3 और आया तो +7 वोल्ट बचा। ध्यान से देखो, यहां पर इसका वोल्टेज आप +10 मान चुके थे,
अब इसका वोल्टेज देखो, खुद का प्लस 10 तो है ही है, पर इस माइनस का भी तो इफेक्ट है। माइनस बिल्कुल इसी के पास होता तो माइनस 10 ही लेना पड़ता, थोड़ा सा दूर है तो माइनस में कुछ ले ले यार, 6 वोल्ट ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 4 वोल्ट। आप इस प्लेट को ध्यान से देखो, क्या आपने इस प्लेट के चार्ज को चेंज किया है? क्या हाथ ही नहीं लगाया हमने उस प्लेट को तो यार, तो क्या उसका जो चार्ज है क्यू वो कॉन्स्टेंट है? और आप देखो कि वोल्टेज डिक्रीज हो गया है, और अगर चार्ज कॉन्स्टेंट रहे और वोल्टेज डिक्रीज हो जाए तो क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब। तो ये डिवाइस जो बनके रेडी हुई है ना, इट इज कैपेसिटर। क्या है ये? कैपेसिटर। पेयर ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट, पेयर ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। दो प्लेटों का पेयर है, चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, यहां प्लस क्यू है तो यहां इंडिविजुअल माइनस क्यू होगा। सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, और दोनों प्लेस प्लेट जो है वो सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं बच्चों कैपेसिटर। कहानी समझ में आई? थोड़ा बहुत तो आया होगा, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं आपको। प्रिंसिपल दोबारा देखिए एक बार, प्रिंसिपल आप देखिए। दूसरा मेथड अपनाना है एक तरीके से ना, चार्ज कांस्टेंट रहेगा और आप पोटेंशियल डिक्रीज कर दोगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या करना है ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए कंडक्टिंग प्लेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट्स पोटेंशियल इज ऑल्सो पॉजिटिव लाइक वी पॉजिटिव, कुछ भी रहा होगा। नाउ बी पुट ए न्यूट्रल प्लेट नियर टू पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट है इसके पास मैंने एक न्यूट्रल प्लेट रख दी। ड्यू टू इंडक्शन इंटरनल साइड ऑफ न्यूट्रल प्लेट बिकम नेगेटिव एंड आउटर साइड बिकम पॉजिटिव। सेकेंड डायग्राम हो गया। नाउ अब क्या करना है बच्चों मुझे, थर्ड कंडीशन के अंदर यहां पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहां नेगेटिव है। नाउ वी ग्राउंडेड न्यूट्रल बॉडी, देन इट्स बिकम नेगेटिव ड्यू टू दिस। अब इसका जो पोटेंशियल होगा, पहले भी पॉजिटिव था, अब इस नेगेटिव की वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी। ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट डिक्रीज, चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड वोल्टेज डिक्रीज, सो कैपेसिटेंस इंक्रीज। क्लियर है? तो आप नोट करें एक बार, हेडिंग डालें पहले आप प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिखो, चलो पहले फिर लिखेंगे कैपेसिटर, तो पहले आप लिखें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के दो मेथड हैं, फर्स्ट है कि साइज इंक्रीज कर दें और सेकंड चार्ज कांस्टेंट रखा जाए, इसलिए मैंने पहले ये पढ़ाया ताकि आपको ये समझ में आए, पोटेंशियल डिक्रीज कर दूं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। हेडिंग लिखे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, और स्क्रीन पॉज करके ये तीनों डायग्राम बनाए, पहले तीनों डायग्राम बना लो स्क्रीन पॉज करके, ठीक है? अब लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए कंडक्टिंग सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए कंडक्टिंग सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट्स पोटेंशियल ऑल्सो पॉजिटिव। भाई चार्ज पॉजिटिव है, आपको पता है कि पोटेंशियल इसके क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, इट्स पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ठीक है?
इट्स पोटेंशियल इज पॉजिटिव. आगे लिखो. नाउ नाउ बी कैप्ट ए न्यूट्रल बॉडी नियर टू पॉजिटिव बॉडी. नाउ बी कैप्ट ए न्यूट्रल बॉडी नियर टू पॉजिटिव बॉडी. कह दो प्लेट कह दो, एक ही बात है बॉडी ना. ड्यू टू इंडक्शन इनर साइड ऑफ प्लेट बिकम नेगेटिव एंड आउटर साइड बिकम पॉजिटिव. ड्यू टू इंडक्शन इनर साइड ऑफ प्लेट बिकम नेगेटिव एंड आउटसाइड बिकम पॉजिटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए कंडक्टिंग प्लेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. नाउ बी कैप्ट ए न्यूट्रल बॉडी नियर टू पॉजिटिव प्लेट. ड्यू टू इंडक्शन इनर पार्ट बिकम नेगेटिव एंड आउटर बिकम पॉजिटिव. ठीक है, ये सेकंड डायग्राम वाली बात हो गई. देखो नाउ बी ग्राउंडेड न्यूट्रल प्लेट. नाउ बी ग्राउंडेड न्यूट्रल प्लेट. नाउ बी ग्राउंडेड न्यूट्रल प्लेट सो इट बिकम नेगेटिव. नाउ वी ग्राउंडेड न्यूट्रल प्लेट सो इट बिकम नेगेटिव. ठीक है, लाइन चेंज कर लो. इन दिस प्रोसेस चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट. In this process, charge remain constant and potential decrease. In this process, जो पहली प्लेट थी ना पॉजिटिव, उसकी बात कर रहा हूँ मैं. चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट and potential decrease. So capacitance increase. मतलब बिना साइज बढ़ाए भी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, और ये बेटा सही तरीका है. So in this process charge remain constant and potential decrease. So कैपेसिटेंस इंक्रीज. ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर. लिख दो भाई, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर. समझ में आ गया होगा शायद. क्लियर है, डायग्राम और बना लिया. नेक्स्ट लिखिए आप हेडिंग कैपेसिटर. अगली जो हमारी हेडिंग है वो आप लिखिए भाई कैपेसिटर. ठीक है, कैपेसिटर. और कैपेसिटर में लिखो, यहां से डेफिनेशन बनाओ उसकी. देखो, पेयर ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट. पेयर ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट
पेयर ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट, पेयर ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट, वो जो चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, पेयर ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट, वो जो चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर सफिशेंट। पेयर ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट वो चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर का जो सिंबल रहेगा, सिंबल लिखो, ये वाला सिंबल काम करेगा, दो बराबर 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 ही ध्यान रखना, बिल्कुल सेम, बड़ा छोटा कर दोगे बच्चों बैटरी बन जाएगी, इस तरीके का सिंबल लिख लो आप, तो ये सिंबल हम काम में लेंगे। क्लियर हो गई होगी ये बात। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग आप, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिनको हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग से, ये बात थोड़ा थ्योरेटिकल है उसको लिख लो, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो वैसे तीन तरह के हैं हमारे कोर्स में, दो ही तरह के हैं, तो नंबर एक तो लिखें आप, फर्स्ट लिखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहला तो लिखिए आप बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, शॉर्ट में बोलेंगे इसको हम पीपीसी। पहला तो हो जाएगा बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जैसा कि इसका नाम है, इसमें जो प्लेटें हैं ना वो पैरेलल होंगी, जो प्लेटें हैं वो आपस में एक दूसरे के कैसी होंगी बच्चों, पैरेलल। तो इसमें जो पहला है वो तो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा लिखो स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर, पहला तो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें तो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल होंगी बिल्कुल, जैसे मेरे हाथ हैं ऐसे बिल्कुल पैरेलल होंगे, और दूसरा है स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर, इसमें दोनों प्लेटें स्पेरिकल होंगी जिनका सेंटर एक ही पॉइंट पर होगा इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल्स एक फुटबॉल लें, फुटबॉल, और उसके अंदर क्रिकेट की बॉल को इस तरीके से सेट करें कि फुटबॉल का सेंटर और क्रिकेट की बॉल का सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, समझ में आ रहा है। तो दो टाइप के हैं हमारे कोर्स में, एक तो पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दूसरा रहेगा स्पेरिकल कैपेसिटर, क्लियर है ना। ठीक है, इनकी चर्चा आप हैंड डाल दो, बने ऐसा करो, चलो कल लिखेंगे है ना, क्योंकि अब इतना बड़ा भी नहीं हो पाएगा, यहां से आगे अपन कल स्टार्ट करेंगे, और कल का जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको अब लिख लो, धन्यवाद।